हेलो गाइस, आपका वैशाली ब्लॉग में फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे हस्बैंड, आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पार्क में और मैं नहा ली हूँ और मैंने कर ली है पूजा और अब मैं चलती हूँ किचन सेक्शन में। घड़ी में बज रहे हैं 7:30। ये देखो, ये 7:30 हो गए हैं और मैं चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने छोले उबाल लिए हैं। मैंने चने नहीं बनाए हैं, मैंने छोले बनाए हैं और इधर मैं हलवा बनाऊंगी। और ये थोड़े बर्तन थे, मैंने साफ कर लिए हैं। अब मैं इनको लगा के आटा मलती हूँ पूरी के लिए और करती हूँ तैयारियाँ। सूजी को भून लिया है, इधर अंदर रखा है और अब मैंने इसमें जो ये मीठा पानी बना रखा है ना, इधर ये डालती हूँ। देखो, ये सूजी भून गई। ये देखो, ये हलवा हो गया है तैयार। बच्चे से रख ज़्यादा वो नहीं करती हूँ मैं और इसको गैस कर देती हूँ बंद। और इसमें डाल देती हूँ क्योंकि मैंने किशमिश और वो तो सब पहले ही डाल दिया है। और उसमें थोड़ा सा गोले का जो बुरादा है वो मैं डाल देती हूँ। ये हो गया हमारा हलवा तैयार। देखो, यह सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको ढक देती हूँ और आटा कर लेती हूँ पूड़ी बनाने के लिए। ये आटा मैंने निकाल लिया है, अब इसको मैं जल्दी से मल देती हूँ। के बाद ये देखो, मैंने लोई बना लिया यहाँ पे और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है पूड़ी बनाने के लिए। अब मैं फटाफट पूड़ी बना देती हूँ और उसके बाद छोलों का काम करती हूँ। A few moments later. ये लो, पति देव भी आ गए हैं मेरे पार्क से। दूध ले आए? दूध रख दिया। और ये पार्क बेटे से जिद करते पार्क की। आप भी ना बोलो, चले पार्क के मंदिर चलते हैं। चलेंगे हाँ बेटे, चलेंगे शाम को चलते हैं पार्क में। पार्क में जाके तबीयत खराब हुई थी। ये देखिए गाइस, ये मैंने कंजकों की इस बार कन्याओं के लिए मैं ये वाली ऐसी प्लेट लेके आई थी।
इसमें मैंने पूरियाँ और हलवा ये सब रख दिए हैं। पैसे मैं अलग से हाथ में लूँगी, पूरी के ऊपर नहीं रखूँगी। अब मैं मंदिर जा बेटा, और मंदिर के लिए निकल चुके हैं। देखो मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे और मैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए वही हम कंजक का ले जा रहे हैं। कंजक नहीं मिलेगी कन्याएं, और उनको हम वहीं पर दे देंगे। कुंडी लगा ले भैया, moments later। अब मैंने खाना मंदिर से आने के बाद खाना लगा दिया है। देखो पतिदेव खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है। अब ये ऑफिस चले जाएंगे और मैं घर का जो काम है सारा वो कर लूंगी, क्योंकि बहुत सारा बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने छोले बनाए हैं, उसके बाद अब चावल बनाऊंगी और सारा काम झाड़ू पोछा ये सब जो फैलावा ये करने हैं, फिर बाद में मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में। मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने बड़े वाले जो बर्तन हैं उनको अलग कर लिया है, और छोटे वाले बर्तनों को साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन आज बहुत हो रहे हैं। सुबह से 3 बार बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ मैं, और अभी वे दोनों भाई खेल रहे हैं, इसलिए फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि यदि वो मुझे देख लेंगे तो वो लव कुछ भी काम नहीं करने देता है। हाँ। और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ उनके आने से पहले। और बर्तन साफ करने के बाद अब मैं चावल भी मुझे निकालने हैं और साफ करने हैं। ये बर्तन हाथ के हाथ में सिंक में मतलब साफ करके रैक में लगा रही हूँ, और चावल निकाल के मैंने धोने शुरू कर दिए हैं, और उनको भिगो के रखने पड़ेंगे आधा एक घंटा। और इसलिए मैं चावल को फटाफट धो के, और मैं पीछे देख रही हूँ कि वो तो नहीं आ रहे हैं दोनों बच्चे मेरे, उसके बाद मैं चावल को पानी डालकर रख देती हूँ। पहले साफ पानी में, देखो गाइस मैंने सारा किचन अच्छे से सारा साफ कर दिया है, और ये मैंने बनने रख दी है राइस। वैसे तो मैं चावल को कुकर में बना सकती थी, लेकिन अभी छोले हैं, फिर छोटा कुकर वो मैंने वहाँ ऊपर रखा हुआ है, फिर मैंने कहा चलो भिगोना है, इसमें खुले बना देती हूँ मांड निकाल कर। झाड़ू मेरी बेटी ने लगा दी थी, और आप सोचोगे बेटी मेरी वीडियो में आना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको वीडियो में नहीं लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी उसी ने लगा दिया था, सीढ़ियों में झाड़ू रह गई है, सीढ़ियों में मैं अब झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद देखती हूँ। बहुत थकान हो रही है, कपड़े आज शाम को धोऊंगी, क्योंकि कल को वीरवार है, वीरवार को हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते हैं। ये देखो कैसे सारा बच्चा ना सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं, चाहे कितनी भी बार घर को सेट कर दो, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना सारे घर को तो कर देते हैं, भूचाल बना देते हैं। तो कपड़े धोऊंगी मैं शाम को, अब नहीं धोऊंगी क्योंकि पानी भी इतना नहीं भरा था मैंने, सुबह से बहुत काम हो रहा है। आज सुबह ही उठना रही, आज सुबह 6 बजे उठ गई थी और अब बज रहे हैं 2, अब जाके काम खत्म हुआ है, बस सीढ़ियों में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद बेटे कह रहा है मम्मी नींद आ रही है, उसको सिलाऊंगी। एक कुछ सो गया है, लव रह रहा है, वो भी नहीं सोया, वो मेरे पास ही लेट के सोता है, उसको सुलाऊंगी और फिर मिलते हैं बाद में आपसे।
A few moments later. ओ गाइस, दोनों सो गए हैं और मैं भी सो गई थी। 5 बज गए तब से सोने सोने के। प्रसाद के रूप में अब मैं ये खा लेती हूँ। शाम को बनाऊंगी मैं फुलके और उसके बाद पीऊंगी अभी मैं चाय। तो वीडियो को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।